बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है बच्चे, उसके इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टूल्स में ही आगे, टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, सेपरेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, है ना। इसमें बेसिकली हमें जो एनसीईआरटी ने मेथड पढ़ाया है बच्चे, उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपके पास जो डीएनए था बच्चे, उस डीएनए का आपने किया है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, और आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए हैं। ये जो आपके पास फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, इन फ्रेगमेंट्स को बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक मेथड करवाते हैं, जिसमें कि आपको बताना है कि यहाँ यूज की जाती है एग्रोस जेल को। एग्रोस जेल एनसीईआरटी यहाँ लिखती है कि सी वीड से ऑप्टेन किया जाता है, और जेल को बच्चे जब आप गर्म जेल को, पिघली हुई जेल को यहाँ पर इस ट्रे में फैलाएंगे, तो आप बताइए कि तीन ऐसे, हमने एनसीईआरटी के अंदर तीन चार दिख रहे हैं लेकिन मैं तीन यहाँ पर डब्बे बना रहा हूँ। जैसे जेली होती है ना ट्रे के अंदर फैली हुई जेली, थोड़ी सी थिक और हार्ड, तो पहले उसको लिक्विड फॉर्म में आपने गर्म करके जब यहाँ डाला, फिर इसको ठंडा होने दिया, तो इसमें से यहाँ क्या किया, तीन हमने खड्डे बना दिए, काट के पीस निकाल दिए जेल के, और इन जगहों को नाम दिया गया, बोलो वेल्स। क्या नाम दिया गया, वेल्स। ठीक है, अब आप बताएंगे भाई इन डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये हमारे पास, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम लेंथ के बेसिस पर स्मॉल टू लार्ज, मतलब छोटे लेंथ से, छोटे फ्रेगमेंट से बड़े फ्रेगमेंट की तरफ इनको अरेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एग्रोस जेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आते हैं कि भाई हम करंट से करवाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से, एनोड और कैथोड से। ये ध्यान रखिए आप एक चीज, जब आप एग्रोस जेल का यूज करते हैं तो एनसीईआरटी यहां कहती है कि आपको यहां एक डाई भी यूज करनी है जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, बोलो, गिव ऑरेंज कलर टू डीएनए इन यूवी लाइट। अगर आपको डीएनए को बच्चे आइडेंटिफाई करना है कि जेल में कहाँ कहाँ डीएनए है और कैसे कैसे लेंथ के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो गया है, तो उस डीएनए की लेंथ को अरेंज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर, अल्ट्रावायलेट रेंज में, कि भाई वो ऑरेंज कलर का आपको दिख जाए, इथिडियम ब्रोमाइड नाम की एक डाई है बच्चे, जिसे यूज किया जाता है। आप बताइए कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे ये, इन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर डाला जाएगा, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं आपके पास, इन सभी फ्रेगमेंट्स को आप यहाँ डालेंगे। जिस तरफ वेल होता है बच्चे, उस तरफ हम रखते हैं, बोलो, कैथोड को। कैथोड मींस हो गया नेगेटिव चार्ज को, और उसके ठीक अपोजिट वाली साइड में हम रखते हैं बच्चे एनोड को। एनोड का मतलब हो गया है पॉजिटिवली चार्ज। एनसीईआरटी ने जब ये वाला टॉपिक आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, सेपरेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स वाली बात, तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी ने आपको ये बात पढ़ाई है, और पहले पैराग्राफ में, इसके पहले पैराग्राफ में सेपरेशन एंड आइसोलेशन वाले डीएनए वाले फ्रेगमेंट्स वाली बात करी है ना एनसीईआरटी ने, पहले पैराग्राफ के लास्ट में एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप सोच सकते हैं कि वेल्स किस तरफ है, बोलो, कैथोड की तरफ है, कैथोड की तरफ है। इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो आप बताइए कि जो डीएनए होता है यहाँ पर बच्चे, वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट। ये याद रखिएगा आप, डीएनए पर आप बताएंगे कि नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहले पढ़ा चुका हूं मैं ये बात, है ना। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को भी देखिए बच्चे, लाइन टू लाइन प्योर आपको एनसीईआरटी मिलेगी। तो उसमें जब आप डीएनए को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट। तो जब डीएनए यहां पर नेगेटिवली चार्ज है तो बताइए वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो जैसे ही हम इसमें करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो डीएनए अपने लेंथ के बेसिस पर यहां पर अरेंज हो जाता है, सबसे छोटा फ्रेगमेंट इधर, उससे बड़ा फ्रेगमेंट, उससे बड़ा फ्रेगमेंट, और सबसे बड़ा फ्रेगमेंट, ऐसे करके फ्रेगमेंट्स जो है बच्चे वो लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। कैथोड की तरफ सबसे पहले वो पहुंचेगा जिसकी लेंथ कम है, जिसकी लेंथ उससे ज्यादा है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, जिसकी लेंथ और ज्यादा है मतलब वो थोड़ा और लेट पहुंचेगा। तो ऐसे आपको समझना होगा कि डीएनए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं छोटे से बड़े की तरफ। ये आपको क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। अब आप बताइए कि भाई ये जेल के अंदर है, अब आप इस पे क्या करेंगे, यूवी लाइट डाल के देखेंगे। यूवी लाइट, ये आपको फ्रेगमेंट्स अलग अलग ऐसे नहीं दिखेंगे, आपने सीधा देख लिया
से नेकेड आई से तो आपने देखा कि यार दिख रहा है, तो आप बताइए सीधा नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा? आप इस पे यूवी लाइट डाल के देखेंगे, यूवी लाइट डालेंगे तो आपको ये हाँ ऑरेंज कलर का दिखेगा, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, मान लीजिए कि इसमें से ये वाला डीएनए हमारे लिए डिजायरेबल जीन है, जिसे हमने कट किया है, ये हमारे लिए डिजायरेबल जीन है। बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता चलता है? बोलो हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें पता ही है, या हम बताएं कि जो भी हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की, तो उसके बेस सीक्वेंस का पता लगा लेते हैं और पता चल जाता है कि भार इस जीन की ये बेस सीक्वेंस है। पहला वो काम है जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। बेस सीक्वेंस की बात है, डीएनए एनोटेशन सिक्वेंसर हमने पढ़ा था, याद करो आप, तो डीएनए सिक्वेंसर सेंगर के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो पहले तो जीन की हमें सीक्वेंस पता है कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में ये जीन ये काम कर रहा है। अब उसी सीक्वेंस के लिए हमने क्या बना रखे हैं, हाँ प्रॉब्स बना रखे हैं और नंबर ऑफ बेस हमें पता है, तो उसके बेसिस पर हम यहां से मान लीजिए कि मेरे को ये मेरा टुकड़ा जो है वो डिजायर जीन है, इसको मैं बाहर निकालता हूं। जब मैं इसे यहां से बाहर निकालूंगा, ये पीस जो मैंने यहां से बाहर निकाला है, बोलो ये पीस मैंने जेल के साथ बाहर निकाला है, मतलब बीच में तो ये डीएनए का फ्रेगमेंट है और बाहर की तरफ बोलो ये जेल है। ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि बच्चे खमन ढोकला होता है ना येलो कलर का जो खाते हैं, या बर्फी की जो हम लेयर बनाते हैं बर्तन के अंदर और फिर चाकू से काटते हैं पीसेस में। तो आप बताइए हमने यहां से यूवी लाइट में देखा कि यहां पर यहां पर यहां पर ये डीएनए पड़े हैं, इसमें से हमने एक डीएनए के टुकड़े को यहां से निकाल लिया, कैसे? जेल के साथ ही हमने वो जेल का टुकड़ा निकाला और उस जेल के टुकड़े में क्या था, डीएनए प्रेजेंट था। इस प्रोसेस को बोलो ये टुकड़ा जो हमने बाहर निकाला है इसे कहा जाता है इल्यूशन, क्या नाम देते हैं, इल्यूशन। और फिर आप बताएंगे कि इस इल्यूटेड वाला जो ये जेल का पीस था हमारे पास जिसमें कि डीएनए था, इसे ट्रांसफर किया जाता है बोलो नाइलॉन शीट पर, नाइलॉन शीट पर, नाइलॉन शीट बोलो नाइट्रोसेल्यूलोजिक पेपर होता है, और उसके बाद जब आप यहां इसको ट्रांसफर कर लेते हैं तो बताएंगे रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉब्स का यूज करते हुए आप ये पता कर लेते हैं कि भाई हमारा जो डिजायर जीन था क्या वही वाला है क्या ये, क्योंकि जो डिजायर जीन हमारा था ना बच्चे उसी को हम यूज कर लेते हैं। ये वाला जो प्रोसीजर है बेसिक पीएच को करके सिंगल हम डीएनए यूज करके डीएनए प्रॉब्स को हम यूज कर लेते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में। तो प्लीज 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 आप वहां पर जाकर उस टॉपिक को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने वहां पर, नाइलॉन शीट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सही से बताया। एनसीईआरटी ने यहां पर डीएनए के सेपरेशन के लिए इल्यूशन तक की ही बात करी है, आगे की बात हमें नहीं समझाई है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आगे की सीक्वेंस को पता करने के लिए हमें स्टेप्स जो है बच्चे वो हमें पता है कि यहां से हम एक सिंगल डीएनए को बाहर निकालते हैं, ये इल्यूशन प्रोसेस है, नाइलॉन शीट पे लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड करके डीएनए को, यहां पर हमारे नॉन डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन यहां पर यूज किया जाता है और उससे हमें इस डीएनए की सीक्वेंस का पता चल जाता है। तो बताइए कि अब ये हमारा एक डिजायर जीन है जो हमने आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। तो पहले तो आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया, उससे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कटे, उसमें से एक फ्रेगमेंट को जेल के साथ आपने बाहर निकाला, उसको आपने इल्यूशन कहा। फिर इस इल्यूशन के साथ जो आपके पास डीएनए बाहर आया है उसे आपने चेक किया डीएनए प्रॉब की हेल्प से, आपको पता चला कि यस ये हमारा डिजायर जीन है। अब आप अगला काम क्या करेंगे, अगला काम है कि भाई इसे हम अब क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे। तो मतलब सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ द फ्रेगमेंट के बाद हमें क्या करना है, क्लोनिंग वेक्टर की बात करनी है। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, एनसीईआरटी की सीक्वेंस का ही टॉपिक है। बताइए कि जब हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर बच्चे एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, लाइन टू लाइन चल रहा है। अभी अभी हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया था, अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने अलग अलग किए हैं उसके बाद हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं बच्चे यूज किसका, हाँ क्लोनिंग वेक्टर का, वेक्टर है जो हमारा डिजायर जीन है उसको क्लोन करने में, उसकी मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन करने में, है ना। एनसीईआरटी ने क्लोनिंग वेक्टर के लिए शुरुआत करी है एक तो बैक्टीरियल डीएनए,
प्लाज्मिड की, और दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने हमें बताया है बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में। सबसे पहले तो आप बैक्टीरियल डीएनए प्लाज्मिड की बात करेंगे तो बताएंगे कि जैसे ये हमारे पास बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये अपना खुद का उसका मेन डीएनए है जिसे कि हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, ये उसका अपना मेन डीएनए हो गया। इसके साथ साथ बैक्टीरिया में बताओ कि एक एडिशनल डीएनए और मिल जाता है, इसी एडिशनल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। एनसीईआरटी कहती है कि एक सेल के अंदर प्लाज्मिड या तो होता ही नहीं, सभी बैक्टीरियाज के अंदर प्लाज्मिड हो ये जरूरी नहीं है, या तो बोलो होता ही नहीं, सिंपल चीज है, और अगर है तो 1 to 2 कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि भाई आप अगर प्लाज्मिड के नंबर की बात करेंगे तो ये आपको मल्टीपल नंबर 15 से 100 प्लाज्मिड तक भी मिल जाता है, इवन कभी बोलो हमें इतने नंबर्स की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल एक डीएनए की जरूरत है। बच्चा कहता है कि आप इस प्लाज्मिड डीएनए को क्यों यूज करते हैं, तो आप बताइए कि प्लाज्मिड डीएनए जो है कैन मेक देयर मल्टीपल कॉपीज। प्लाज्मिड डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल, वहां पर ये कॉपीज कर सकता है। क्या ये सीन बैक्टीरियोफेज के साथ भी है, आप बताइए। हाँ, बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल का आप बताएं कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड है, और आप बताएंगे कि भाई इसके ऊपर हम बताएंगे ये आपके पास बैक्टीरियोफेज, ये इसके अंदर इसका डीएनए है, तो बताएंगे कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो है बच्चे वो कहाँ छोड़ देता है, बैक्टीरिया के अंदर, और ये डीएनए भी यहां पर क्या कर सकता है, कैन मेक देयर मल्टीपल कॉपीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। तो आप बताइए कि भाई ये बैक्टीरिया के अंदर अपनी मल्टीपल कॉपीज का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छे वेक्टर की तरह काम करेगा। मतलब इसकी इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं कि भाई अगर इसके साथ हम हमारे डीएनए को डिजायर जीन को जोड़ दें, जो कि अभी अभी हमने आइसोलेट किया है, फ्रेगमेंटेशन का अलग उसको किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, और उसको हम इसमें जोड़ने का तरीका निकाल लें और उस डीएनए को हमारे डिजायर जीन को इन डीएनए के साथ जोड़ दें, वो डीएनए प्लाज्मिड डीएनए हो सकता है, वो डीएनए हमारे पास अपना बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो सकता है, अगर इसके साथ आप उस डीएनए को ऐड करवा देते हैं तो बताइए कि जब ये अपनी कॉपीज बैक्टीरिया में करवाएंगे तो साथ में हमारे डिजायर जीन की भी कॉपीज का फॉर्मेशन कर देंगे। इसलिए आप बताइए कि इन दो को एनसीईआरटी ने हमें एग्जाम्पल दिया है। लेकिन बात आती है कि क्या क्लोनिंग वैक्टर केवल यही दो होते हैं, तो आप बताइए नहीं, क्लोनिंग वैक्टर मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेकिन हमें केवल ये दो ही बताए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर दूं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी आपने सुना था YAC और BAC, ईस्ट बैक्टीरियल दोनों के लिए बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC, आप बताइए उन्हें भी वेक्टर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है, उन्हें भी वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई हम बात करेंगे अब वेक्टर के, क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स की, क्या क्या फीचर क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए, हम कैसा डीएनए है जिसे यूज कर सकते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर, या फिर इसे आप दूसरे तरीके से समझिए कि हम प्लाज्मिड डीएनए को और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को एज ए वेक्टर यूज क्यों कर रहे हैं, तो बताइए कि हम बताते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जो भी डीएनए उन बेसिक फीचर्स को फॉलो करेगा उसे हम वेक्टर की फॉर्म में यूज कर लेंगे। अब वो फीचर्स क्या क्या हैं, तो हम बताएंगे कि फीचर्स फॉर द क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बात करें,
इसकी बात करनी है हमें, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बात करें तो बताइए पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आप बताइए इन ए वेक्टर डीएनए ओआरआई साइट शुड बी प्रेजेंट, ओआरआई साइट शुड बी प्रेजेंट, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि भाई मल्टीपल कॉपीज ये अपनी बना पाएगा। मींस सो दिस प्लाज्मिड डीएनए इज एबल टू मेक मल्टीपल कॉपीज। मैं यहां पर इस लाइन को, इस टॉपिक को मैं जोड़ देता हूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन के साथ। प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर एक ओआरआई साइट और यूकैरियोटिक डीएनए में ये मल्टीपल होती हैं। जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम पढ़ते हैं, मैं पेज नंबर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि पुरानी और नई एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट रहता है, तो बच्चे के पास जो भी एनसीईआरटी है वो खोल के पढ़ ले। प्रॉब्लम बात किसकी मैं कर रहा हूँ कि जहां रेप्लिकेशन फॉर्क का एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया ना उल्टे वाई जैसा, उसके ठीक साथ वाला ऊपर पैराग्राफ, जिस पेज पर रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम है ऊपर, उसके ठीक पहले पैराग्राफ में ऊपर ऊपर एनसीईआरटी ने बच्चे चार लाइनों में ये बात समझाई है कि भाई ओआरआई साइट की प्रेजेंट होने से, प्रेजेंस होने से एक डीएनए को हम वेक्टर की तरह यूज कर पाते हैं। ये एनसीईआरटी ने वहां पर भी हमें प्रॉपर्टी बताई है, आप इसे उससे मान सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात है हमारे पास बच्चे सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। अगर मैं आपको बताऊं सेलेक्टेबल मार्कर, तो सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि भाई ये एक ऐसी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच हेल्प टू डिफरेंशिएट द वेक्टर डीएनए फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब अगर आपको डीएनए पता करना है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है, उसके लिए आपको जरूरत रहती है किसकी, सिलेक्टेबल मार्कर की। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसमें एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं बोलो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात आ रही है। ये आप बताइए एनसीईआरटी ने यहां हमें एग्जाम्पल दे दिया है प्लाज्मिड के बारे में कि इन प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई आपको एम्पीसिलीन क्लोरामफेनिकॉल या टेट्रासाइक्लीन या कैनामाइसिन, दोनों में से एक नाम आप यूज कर सकते हैं, इनके लिए रेजिस्टेंट जीन है। मतलब अगर रेजिस्टेंट जीन का मतलब हो गया कि अगर प्लाज्मिड डीएनए के पास एम्पीसिलीन का डीएनए प्रेजेंट है, मतलब जीन प्रेजेंट है, तो आप बताइए उसे आप ऐसे कल्चर मीडियम में नहीं मार सकते हैं जहां पर एम्पीसिलीन होगा, क्योंकि एम्पीसिलीन का इस पे असर नहीं होगा, उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसके पास। क्लोरामफेनिकॉल के लिए भी नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, सही है बात या नहीं? ऐसा आप टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन के लिए भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें आप इनको मार नहीं सकते, इनमें आप इनको मार नहीं सकते। तो ये दो रिक्वायरमेंट के साथ साथ एनसीईआरटी ने हमें तीसरी रिक्वायरमेंट भी बताई है, उसमें भी एग्जांपल हमें प्लाज्मिड का ही दिया है उन्हें। तो आप बताएंगे कि भाई यहां अगर हम बात करें, पहला तो हम फीचर बता रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ओआरआई साइट की, दूसरा हम फीचर बता रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर का,
अब हम चलते हैं इसके तीसरे फीचर की तरफ जो कि एनसीईआरटी हमें लिख के देती है, क्लोनिंग साइट। तो मैं अब क्लोनिंग साइट की बात आपके साथ करता हूं। तीसरा फीचर जो हमें एनसीईआरटी बताती है वो क्या है, क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट वाला जो पोर्शन है, जो पैराग्राफ है, वो ज्यादातर बच्चों के लिए मतलब मुश्किल ही रहता है। वो कहते हैं कि यार ये समझ नहीं आ रहा सर। कारण उसका ये है कि भाई उसके बारे में चीजें बच्चों को बाद में बताई जाती हैं, लेकिन अपने पहले ही करवा देंगे, यहाँ साथ के साथ सीक्वेंस भी करवा देंगे। तो पहला फीचर तो हमने बताया था ओराई साइट की प्रेजेंस, दूसरा हमने बताया सिलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा अब आपको बता रहे हैं क्लोनिंग साइट। अब मैं आपको बताता हूं, क्लोनिंग साइट जो होती है बच्चे वो सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में ही रखी जाती हैं, सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में ही रखी जाती हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि भाई अगर हम बात करें क्लोनिंग साइट को, हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड डीएनए के एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। जैसे आप बताएंगे भाई ये हमारे पास एक प्लाज्मिड डीएनए है, इस प्लाज्मिड डीएनए में अगर हम यहाँ बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई इसकी ओराई साइट है, यहाँ एनसीईआरटी हमें बताती है आरओपी है, ठीक है। फिर इधर एनसीईआरटी कह रही है कि भाई ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इसके अंदर एनसीईआरटी ने हमें दो क्लोनिंग साइट बताई हैं, एक तो बताई है PST1 और दूसरी है PVU1। उसके बाद क्लोनिंग साइट आती है यहां पर, तो हम बताते हैं इको R1। उसके बाद यहां अगर हम बात करते हैं तो CLA1। उसके बाद यहीं पर साथ में हम बात करते हैं हिंट थर्ड की। फिर एनसीईआरटी कह रही है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो जीन है बच्चे, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इसके अंदर दो साइट आपको एनसीईआरटी बताती है, एक तो बैम H1 और दूसरा SLA1, SAL1, बैम H1 और SAL1। और जो ROP साइट है उसके साथ आपको PVU2 यहां पर बताया जाता है कि भाई ये PVU2 यहां साइट प्रेजेंट है आपकी, ये आपके पास क्या है भाई। हाँ तो हम बताते हैं ये पूरा का पूरा हमारे पास एक प्लाज्मिड डीएनए है PBR322, PBR322। तो आप बताएंगे कि भाई ये साइट आपको यहां मिलेगी। अब इसमें ध्यान से देखा जाए तो सुन लेना ध्यान से, ये जो प्लाज्मिड है बच्चे इसका नाम PBR322 है। इसमें ये वाला जो जीन है बेसिकली ये एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, और ये वाला जो जीन है वो पर्टिकुलर टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट है। तो ये दो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इसमें क्या है कि PST1 और PVU1 जो है बच्चे, ये या बैम H1 या सेल जो सेल 1 है, ये नाम आप बताइए किसके हैं। तो हम बताते हैं ये सारे नाम लिखे गए हैं बच्चे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, जिनसे कि इनको कट कर सकते हैं हम। अब आप बताइए कि ऐसे बैक्टीरियल सेल की अगर मैं बात करूं, आप सुनना ध्यान से, ये मेरे पास ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल का ये डीएनए है, ये इसका खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है। बेटा जब हम इस न्यूक्लियोइड डीएनए की बात करें और इसके साथ हम प्लाज्मिड डीएनए को अंदर ले आए, ये वाला प्लाज्मिड डीएनए इस बैक्टीरिया में ले आए, और इसके आसपास के कल्चर में यहां पर मैं एम्पीसिलिन भी डाल दूं और मैं टेट्रासाइक्लिन भी डाल दूं, तो आप मुझे बताइए कि इस कल्चर मीडियम में एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों से बैक्टीरिया किससे मरेगा। तो आप बताइए कि एम्पीसिलिन से बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन से भी बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होगा। कारण क्या है कि जब ये प्लाज्मिड डीएनए आप इस सेल के अंदर लाएंगे तो इस प्लाज्मिड डीएनए के पास एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। किस किस के लिए है, तो हम कहते हैं कि भाई वो हाँ इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, एम्पीसिलिन के लिए भी और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी। सही बात है, किसी से नहीं मरेगा। और PBR322 में यहाँ पी प्लाज्मिड है, बी और आर इसके साइंटिस्ट का नाम है बच्चे, जिसको कि हम हाँ बॉलीवर और रोड्रिगेज के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको बताना है कि जो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है दोनों के लिए प्लाज्मिड इस सेल को रेजिस्टेंट बनाता है। अब आप सोच के देखिएगा ध्यान से मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपसे। अब हम क्या करते हैं कि
कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए था, एनसीईआरटी ने एग्जांपल हमें जिसका दिया है मैं उस एग्जांपल के हिसाब से आपको बताता हूं। एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे पास ये जो प्लाज्मिड डीएनए था PBR322, इसमें यहां से लेकर यहां तक ये टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या था, रेजिस्टेंट था, और यहां हम बताएं इसको हमने कर दिया बोलो कट बाय बैम एच वन। एनसीईआरटी में यही लिखा है, बैम एच वन से हमने इसको काटा, और बैम एच वन से काटने के बाद और डीएनए लाइगेज से हमने इसमें अपना डिजायर जीन ऐड करवा दिया। तो बताएंगे कि अब ये जो है बच्चे ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इस प्लाज्मिड का जो एम्पीसिलिन वाला जीन है, एम्पीसिलिन वाला जो जीन है वो तो बोलो है नॉर्मल। जब मैंने बिना डिजायर जीन के डाले इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में रखा तो ये बैक्टीरिया जिसमें कि ये प्लाज्मिड था ना तो वो एम्पीसिलिन से मरा और ना ही वो टेट्रासाइक्लिन से खत्म हुआ। लेकिन जब मैंने इसको कट कर दिया बच्चे बैम एच वन से, तो बैम एच वन से कट करने के बाद जब इसमें डिजायर जीन डाला नहीं कर पाएगा, केवल एम्पीसिलिन वाला जीन काम करेगा। अब आप बताएं कि इसे हमने एक बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, ये बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियोइड है और इस प्लाज्मिड को हमने अब इसमें डाल दिया। जब इस प्लाज्मिड को हमने इसमें डाल दिया है बच्चे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आर डीएनए को, और इस आर डीएनए में हमारा डिजायरेबल जीन था, जब इसमें हमारा डिजायरेबल जीन था तो बताएंगे कि भाई अब टेट्रासाइक्लिन वाला जीन काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले में तो हमने डिजायर जीन डाल दिया। अब आप सोचो कि इसके आसपास का ये जो कल्चर मीडियम बैक्टीरिया का है उसमें हमने एम्पीसिलिन को भी डाल दिया और टेट्रासाइक्लिन को भी डाल दिया, तो बताइए क्या एम्पीसिलिन इस पे काम कर पाएगा? बोलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्पीसिलिन वाला जीन तो अभी भी नॉर्मल है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से ये बैक्टीरिया जो है बच्चे वो डेड हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। क्यों डेड हो जाएगा? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन को आपने यहां पर इनएक्टिव कर दिया है। कैसे इनएक्टिव कर दिया? क्योंकि आपने इस बैक्टीरिया को, जो इस प्लाज्मिड डीएनए को कट किससे किया? बैम एच वन से। तो आप बताइए, आप डिजायर जीन को भी बैम एच वन से ही काटेंगे? डिजायर जीन को भी आप बैम एच वन से ही काटेंगे, ठीक है बात या नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर अपना डिजायर जीन डाल देंगे ना, उसकी फंक्शनिंग कब बंद हो जाएगी, इसे मैं और बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अभी एनसीईआरटी की लाइनें मैंने आपको बताई, अब आगे की बात में आपको बताता हूं। एनसीईआरटी ने PBR322 के डायग्राम के ठीक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें उसने बताया कि आपके पास ये सब तो है भाई बाहर लिखे हुए, क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, और इसमें एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या है? तो हम कहते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और ओराई साइड से रेप्लिकेशन शुरू होता है तो पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जब पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो मेरे डिजायर जीन का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो बताइए कि जिस जगह पर हम डिजायर जीन को एंटर करवाते हैं उसी साइट को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो क्लोनिंग साइट किसी भी प्लाज्मिड डीएनए की वो साइट होती है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसे कट करेगा और फॉरेन डीएनए को उसमें एंटर करवा दिया जाएगा। उस जगह को पर्टिकुलर हम क्या बोलेंगे? क्लोनिंग साइट। इसका मतलब मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में इसको बैम एच वन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ क्लोनिंग साइट टोटल बनती है मेरे पास। अब आप बताइए कि जब ओआरआई साइट की हम बात करते हैं तो ओआरआई साइट के साथ एनसीईआरटी ने आरओपी साइट भी आपको लिख कर दी है। आरओपी का मतलब होता है बच्चे रेप्लिकेशन के लिए क्या करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन्स ऑफ द रेप्लिकेशन का ये सिंथेसिस करती है। मतलब ओराई साइट पर रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है और उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है उनको बनाने का काम कौन करता है? आरओपी। हाँ, ये कोड करता है प्रोटीन्स को जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चा कहता है चलो ये बात तो हमें समझ में आई है, लेकिन आप डिजायर जीन को टेट्रासाइक्लिन या आप एम्पीसिलिन के अंदर जब एंटर करवाते हैं तो पता कैसे लगाते हैं कि किसमें बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और किसमें प्रेजेंट नहीं है? तो आप बताइए, उसके लिए हम प्लेटिंग मेथड करते हैं। मैं थोड़ा सा उस पर आपको जानकारी दे देता हूँ प्लेटिंग मेथड की, जो कि एनसीईआरटी ने हमें समझाई है मीडियम वाइज, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी ने हमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी समझाया है। मैं उसकी भी बात आपके साथ कर लूंगा,
चलिए, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ आया है। अब मैं आगे की बात करता हूं आपके साथ, क्लोनिंग साइट के साथ ही बात करेंगे। इसे मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको बढ़िया से। चलिए, अब मैं आपको बताऊं बच्चे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई डीएनए था, इधर हमारे पास प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड की ये जीन थी टेट्रासाइक्लिन वाली, और उसमें इस साइट का नाम था बैम एच वन क्लोनिंग साइट। तो बताएंगे कि यहां पर इसको भी हमने बैम एच वन से काटा होगा और हमने उसको भी बैम एच वन से काटा है। अब इसको बैम एच वन से काटने का फायदा, मैं डिजायर जीन गया, इधर से प्लाज्मिड भी कटा हुआ मिलेगा। तो बताएंगे कि यहां हम बताएंगे कि डीएनए लाइगेज का हमने यूज किया और डीएनए लाइगेज को यूज करते हुए प्लाज्मिड डीएनए के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए हमें यहां मिल गया। तो बताएंगे कि ये जो डीएनए है बच्चे, ये आरडीएनए है। इस आरडीएनए को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे बच्चे इन ई कोलाई बैक्टीरिया। अब आप बताइए, ई कोलाई बैक्टीरिया नंबर में काफी सारे थे हमारे पास, है ना? तो आप बताइए, बहुत सारे हमारे पास यहां ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। इन ई कोलाई बैक्टीरिया में जब हमने इसको भेजा तो ये आपके पास कॉलोनी ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाँ आरडीएनए, और किसमें आरडीएनए प्रेजेंट नहीं है, ये बात आपको समझनी है। तो आप क्या करिए, यहां से एक एक, पहले आप इसमें सारे आरडीएनए जो है इसमें रेप्लिकेशन करवा के ना, इसके सारे काफी सारी कॉपी बना के इन बैक्टीरिया में रैंडमली इंट्रोड्यूस करवा दो। तो आप सोचो, मैंने यहां 9 बैक्टीरिया बनाए हैं, इन 9 में से किसी में जाएगा किसी में नहीं जाएगा, किसी में बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड डीएनए है वो एंटर कर जाएगा। एंटर कैसे करवाते हैं वो आगे की बात है, अभी तो केवल मैं एंटरिंग बता रहा हूं। कि मान लेते हैं कि मैंने यहां पर आरडीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनवा के इन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाई, तो मैंने यहां कितनी कॉपी बनाई, 9। मैं इन 9 कॉपीज की जगह पे केवल बच्चे आपको 3 कॉपीज का एग्जांपल लेके समझाता हूं कि भाई मेरे पास ये मान लो 3 कॉपीज बैक्टीरिया की कॉलोनी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें से इस बैक्टीरिया को मैंने उठाया, मैं इन बैक्टीरिया को नाम भी दे देता हूं, ए बी और सी, ठीक है। इस ए वाले बैक्टीरिया को मैंने इस कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, एक बैक्टीरिया को मैं यहां से लेके गया था ए वाले को और मैंने इसको यहां पर ग्रो करवाया, दूसरा मैंने बी वाले को ग्रो करवाया, ये बी वाला है बेटा, और तीसरा मैंने यहां सी वाले को ग्रो करवाया। ई कोलाई बैक्टीरिया में से ये मैं सी वाले को ग्रो करवा रहा हूं। मुझे नहीं पता है कि इस बैक्टीरियल कॉलोनी में कौन से बैक्टीरिया में प्लाज्मिड चला गया था और कौन से में नहीं गया है, सही है? कौन से में चला गया था और कौन से में नहीं गया, ये मुझे नहीं पता है। क्या करेंगे? तो बोलो, ये कॉलोनीज तो बनी गई है अपने पास, कॉलोनीज तो बनी गई है, बिल्कुल बन गई है। अब क्या करिए आप, यहां पर एक कल्चर मीडियम लीजिए एम्पीसिलीन वाला, ये कल्चर मीडियम है एम्पीसिलीन वाला, ठीक है, और एक कल्चर मीडियम आप लीजिए टेट्रासाइक्लीन वाला, ये कल्चर मीडियम है टेट्रासाइक्लीन वाला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अब आप बताइए कि जो हमने टेट्रासाइक्लीन वाले को इनएक्टिव किया था, क्योंकि टेट्रासाइक्लीन वाले में भी हमने ये डिजायर जीन डाला है, पहले तो ये याद कर लेना आप कि डिजायर जीन टेट्रासाइक्लीन वाले में डाला है, इस बात का ख्याल रखिएगा स्टार्टिंग से। आप क्या करिए कि जैसे ना कपड़ा होता है ना, कॉटन का कपड़ा है, जैसे मान लो मेरे पास ये वाला कॉटन का कपड़ा है, यू है ना, तो कॉटन का कपड़ा हमने प्लेटिंग के अकॉर्डिंग यू बना लिया, ये
इस कपड़े को यहां पर हल्का सा रखिए, इसके साथ कुछ बैक्टीरिया चिपक जाएंगे, उसको इस पर रखिए तो वो बैक्टीरिया यहां रह जाएंगे। यहां से मैंने उठाए कुछ बैक्टीरिया, यहां पर रखे, बोलो इसमें रखते ही मर गए, इसमें रखते ही मर गए। ठीक है जी। दूसरा, इसमें से उठाए, इसमें थोड़े से रखे, बोलो इसमें भी मर गए। बैक्टीरिया दोनों में ही मर गए, मतलब ए प्लेट वाले बैक्टीरिया दोनों में, एम्पिसिलिन वाले और टेट्रासाइक्लिन वाले दोनों में ही क्या हो गए, डेड। तो आप बताएंगे कि ऑल बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड, ये सारे बोलो बिना प्लाज्मिड के हैं, क्यों? क्योंकि ये डेड हो गए इन बोथ कल्चर्स, दोनों ही कल्चर्स में ये क्या हो गए हैं, मर गए हैं। कोई बात नहीं, बताइए इस कल्चर को फिर से चेंज कर दीजिए, ये नया कल्चर ले लिया, नया कल्चर ले लिया, इसमें एम्पिसिलिन, इसमें टेट्रासाइक्लिन। ठीक है जी, अब क्या करें? बोलो बैक्टीरिया जिंदा रहे, बैक्टीरिया जिंदा रहे, ठीक है, मरे नहीं, जिंदा रहे। फिर इसको यहां हल्का सा टच किया, यहां रखा, यहां वाले बैक्टीरिया भी जिंदा रहे, तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में बैक्टीरिया जिंदा रहा। इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो विद प्लाज्मिड है, इनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तभी उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम कर रहा है, इसलिए वो जिंदा रह गए। लेकिन आप बताएंगे कि प्लाज्मिड जो है बच्चे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब उसमें मेरा फॉरेन जीन नहीं है, फॉरेन जीन जो हमने डाला था ये वाला वो नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही कल्चर में जिंदा रह गया, एम्पिसिलिन में भी और टेट्रासाइक्लिन में भी। अब आप बताएंगे कि भाई यहां ये जो तीसरा कल्चर है हमारे पास, इसमें से हल्का सा यूं ये फिर से कल्चर बदल दिया हमने, क्योंकि इसमें तो पुराने बैक्टीरिया थे, नया कल्चर ले लिया एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाला, हल्का सा दबाया, उठाया, यहां रखा, बोलो ये जिंदा रहे, एम्पिसिलिन वाले जिंदा रहे। फिर इसे हल्का सा दबाया, उठाया, टेट्रासाइक्लिन में रखा, बोलो यहां मर गए, यहां मर गए। इसका मतलब बैक्टीरिया जो थे बच्चे ये बोलो लिविंग इन एम्पिसिलीन कल्चर कल्चर, इसका मतलब इसमें सारे के सारे मेरे पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं। सही है बात या नहीं? तो बच्चे को ये तीनों बातें सही से समझ में आई। लेकिन ना अगर आप सोचो कि भाई किया क्या, टेट्रासाइक्लिन में ये क्यों मर गया, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन इसमें काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले में ही हमने यहां पर फॉरेन डीएनए को डाल दिया था, टेट्रासाइक्लिन वाले में हमने यहां क्या किया, फॉरेन डीएनए को डाल दिया, तो टेट्रासाइक्लिन वाले की फंक्शनिंग को हमने बंद कर दिया था। बेसिकली बात ये है। बच्चा कहता सर ये तो हमें समझ में आई बात, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी हमारे दिमाग में चल रहा है कि यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया अगर होते, या तो आपने तीन ही लिए हैं, अगर ये 50 होते, ये 500 होते, फिर ये काम कैसे करते, बोलो ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता। सच बात है, ये काम हमारे लिए थोड़ा क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो बताइए एनसीईआरटी ने इसे आसान करने का एक और तरीका हमें बताया है, वो उसने बताया है कलरिंग से, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब हो गया है? हाँ, जो कलर देने वाले सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में बात करी एनसीईआरटी ने। अब वो क्या बात की है मैं वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के बारे में एनसीईआरटी क्या बात करती है वो बात भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। एनसीईआरटी कह रही है कि भाई ऐसा करो, आप जो जीन यूज कर रहे हो वो कोई ऐसा जीन यूज कर लो जो आपको कल्चर मीडियम में कलर भी प्रोवाइड करवाता हो। जैसे हम बात कर लेते हैं बच्चे लैक जेड जीन की, आप याद करिए लैक जेड जीन जो था वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बना रहा था, अगर आपको याद हो तो, जब हमने लैक ऑपेरॉन पढ़ा था तब। बताइए जब हम लैक ऑपेरॉन की बात करते हैं तो आप बताइए कि हमारे पास ये कोई बैक्टीरियल डीएनए है?
इस बैक्टीरियल डीएनए में एक तो जीन है बोलो लेक जेड जीन, जो कि बनाता है बोलो बीटा ग्लेक्टोसाइडेज को, और लेक जेड जीन के साथ आप बताओ दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं बोलो एम्पिसलिन रेजिस्टेंट जीन का। बताइए कि अगर लेक जेड जीन काम करेगा तो लेक जेड जीन जो है वो किसको बनाएगा बोलो बीटा ग्लेक्टो साइडेज एंजाइम को, और बताइए अगर कल्चर मीडियम में एक सब्सटेंस डाल दिया जाए एक्स जेल के नाम से, एक जेल है जेल लाइक सब्सटेंस है एक्स जेल कहते हैं उसको, बोलो ब्लू कलर देते हैं, अब क्या करिए आप बताइए लेक जेड जीन जो होता है वहां से इस प्लाज्मिड को कट करिए, कट द प्लाज्मिड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब आपने इस प्लाज्मिड को कट किया तो बोलो एम्पिसलिन वाला जीन तो नॉर्मल रहा लेकिन लेक जेड जीन को आपने कट कर लिया और इसमें आपने अब इंसर्ट करवा दिया बोलो डिजायर जीन को। जब आपने लेक जेड जीन में यहां पर डिजायर जीन को क्या करवा दिया एंटर, तो बताओ कि ये हो गया है आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सही है, लेकिन आपने लेक जेड जीन की फंक्शनिंग को क्या कर दिया खत्म। बताइए जब आपके किसी फॉरेन डीएनए को फंक्शनल जीन में डाला जाए और उसकी फंक्शनिंग को खत्म कर दिया जाए तो इस पूरे प्रोसीजर को आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहेंगे। इसका मतलब अब लेक जेड जीन जो है वो काम करना बंद कर चुका है क्योंकि आपने उसमें किसको डाल दिया है डिजायर जीन को डाल दिया है आपने, फॉरेन डीएनए को डाल दिया है आपने, तो उससे उसकी सीक्वेंसिंग बदल गई, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। अब बताएंगे कि इस आर डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ई कोलाई बैक्टीरिया में और इसे हम क्या करेंगे अब एक कल्चर मीडियम में रखेंगे। जब इसे हम यहां बच्चे कल्चर मीडियम में ई कोलाई बैक्टीरिया था उस ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जैसे मान लो यहां पर बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया थे, मैं एक नहीं बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, जो पहले वाली प्रॉब्लम थी ना उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं मैं अभी आपको। अब आप बताइए हमने यहां पर बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया लिए हैं, देखना आप ध्यान से सुनना, एक नहीं बहुत सारे ई कोलाई हैं बोलो ये, इन सभी ई कोलाई बैक्टीरिया को आप कल्चर मीडियम में अब लेकर जाओ, आपका जो आर डीएनए था उसने उसको आपने रैंडमली इन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाया, किसी में गया होगा किसी में नहीं गया होगा, किसी में गया होगा किसी में नहीं गया होगा, कोई बात नहीं। आप बताओ यहां पर बैक्टीरिया आते हैं और वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करते हैं और अपनी कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं, बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करते हैं और अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। बेटा एक मिनट मेरा फोन कंटिन्यू बज रहा है, एक मिनट बस। तो बैक्टीरिया यहां कंटिन्यू आते हैं मतलब यहां कॉलोनी बनाते हैं खूब सारी कल्चर मीडियम में। अब कल्चर मीडियम में क्या किया है हमने कि कल्चर मीडियम तो रखा ही रखा है, उस कल्चर मीडियम में एक तो डाल दिया है बोलो एक्स जेल को और साथ में डाल दिया है एम्पिसिलिन को, ठीक है। अब आप सोचो अगर बच्चे एक्स जेल प्रेजेंट है और उसके साथ बीटा ग्लेक्टोसाइडेज मतलब लेक जेड जीन भी अच्छे से काम कर रहा है तो कॉलोनी किस कलर की आनी चाहिए, बच्चा कहता है ब्लू कलर की। कल्चर मीडियम में ग्रोथ करने के बाद अब आप बताओ कि ये जो आपके पास बैक्टीरिया थे इनमें से कुछ कॉलोनी कलरलेस आई और कुछ कॉलोनी कलर वाली आई, बोलो जो कॉलोनी तो हमारे पास आई है कलरलेस, जैसे मैं बताऊं कि भाई ये तीन कॉलोनी तो मेरे पास है कलरलेस, सही है, और ये तीन कॉलोनी जो है बच्चे ये है कलरफुल, मतलब इसके बैक्टीरिया कलरफुल है मेरे पास,
तो आप बताइए, जिनके बैक्टीरिया तो आपके पास बने हैं कलरफुल, उनमें तो बोलो डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इनमें डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्यों? क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेंट होता, अगर डीएनए रिकॉम्बिनेंट होता तो लैक जेड जीन इनएक्टिव हो जाता। ये इनएक्टिव होता तो क्या नहीं बनता? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और एक्स जेल के साथ हमें कौन सा कलर मिलता ही नहीं? ब्लू कलर। लेकिन ये तो कलरफुल कॉलोनी आई है, इसका मतलब डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन लेकिन जो कॉलोनीज बोलो कलरलेस है, इसका मतलब इनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। कैसे पता चलेगा? बोलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि यहां पर हमने लैक जेड जीन को इनएक्टिव कर दिया। देगा नहीं तो एक्सजेल के साथ वो नीला रंग देगा नहीं। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है कि जो कॉलोनीज कलरलेस बनेंगी वो रिकॉम्बिनेंट होगी, और जो कॉलोनीज कलरफुल बनेंगी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी। ये आपको समझना है यहां पर। तो ये यहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है प्लाज्मिड के बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूकैरियोट्स के बारे में आपको बताऊंगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के बारे में बात करी है एनसीईआरटी ने, रेट्रोवायरस के बारे में बात करी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उससे आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इन डीएनएस को सेल के अंदर एंटर करवाते हैं। ये सब आप यूकैरियोट्स में वेक्टर डीएनए से पहले पहले पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, आपको ये सारी बातें एज इट इज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की ही मिलेंगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।